एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा, कैसे आप सब। तो आज हम देखने जा रहे हैं इंडियन मीम्स कंपाइलेशन, ट्रेंडिंग मीम्स फ्रॉम द चैनल ड्रॉप आउट। अभी यार इतने दिनों बाद ड्रॉप आउट का वीडियो आया है, जो मेन कल ही बोला था मैंने कि जो मेन स्ट्रीम चैनल्स है मीम्स के, मतलब मीम्स ही पोस्ट नहीं कर रहे हैं। ड्रॉप आउट हैज बीन हियर अगेन टू तो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। एंड गाइस स्वागत है मेरी एक और मजेदार मीम वीडियो के अंदर। तो गाइस ये वीडियो भाई फाड़ होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर भाई एंड तक पूरी देखना। तो गाइस चलो इसके साथ थोड़े स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हुए। लेके पर वो गाना जय श्री राम ऐसे मुंह देख के लड़के की शादी नहीं करते। फिर क्या देख के शादी करते, मैं वो बाद में बताऊंगा। मोदी तो कहता है कि मैं खुद बैठा गद्दी पे, गद्दी पे मैंने तो बैठाया बंदा। अच्छा यार अजीब बात है यार। किसको? मोदी जी को। मुझसे पूछ के बैठे मोदी जी। क्या बोलूं रे, माथी कसम सच है। अच्छा और क्या, मेरे घर आया था कोई पूछने के लिए, वहाँ से बंदा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। मोदी जी प्रधानमंत्री कुर्सी बैठना चाह रहे हैं। मैंने कहा बैठ लेंगे मगर ईमानदार से चलेंगे। कौन से नशे ये कौन से। अच्छा ये बताइए किसने सबसे पहले प्रपोज किया था, इन्होंने सबसे पहले आपको प्रपोजल दिया, आपने सबसे पहले बोला इनको फोन पर। सर मैं बोली हूँ। क्या बोली थी उस वक्त आप उनको, क्या फोन पर बोली थी। बताइए क्या बोली थी। बोलिए ना, बोली कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। जी सर हिंदी में बोली थी कि जिस तरह से आजकल मॉडर्न का जमाना है, इंग्लिश में बोली थी आई लव यू। इंग्लिश में आई लव यू बोली थी। जी सर अभी मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। क्या आपका फोन चोरी हो गया और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें? नहीं तो आप सही जगह आए हैं। आज हम आपको खट्टे रसगुल्ले बनाना सिखाएंगे। आज हम आपको खट्टे रसगुल्ले बनाना सिखाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि रसगुल्ले तो मीठे होते हैं, तो बता दें जिस बहन के लड़का फोन चोरी होता है वह गम में ये नहीं देखता कि रसगुल्ले खट्टे हैं या मीठे। बात तो सही है। आपकी ऐसी सोच ने हमारे मूड की बोंढला डाली, तो वीडियो यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपको एक ऐसा बॉडी गार्ड दिखाऊंगी कि आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। कहाँ है वो? ये रहे। हाय हाय कैसा बॉडी, आंखें क्या चौंधा जाएंगी, ये तो पूरे के पूरे ही चौंधिया गए क्रिकेट गार्ड जैसी शक्ल लेके ये बॉडी गार्ड बनने चला है। सच में बॉडी गार्ड नहीं, मैं तेरा पति हूँ यकीन कर ले। अबे नजर नहीं आ रहा है कितने देर से सांस रोक के ऊपर खड़ा कर खड़ा हूँ। तितली उड़ी उड़ न सकी। अच्छा। तितली उड़ी उड़ न सकी, बस में चढ़ी सीट न मिली, सीट न मिली तो रोने लगी। ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, तितली बोली ओए चुप रह, तेरी माँ की चूत, तेरी माँ की चूत। अब बोल। एक बात बताओ सूरज, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। हाँ सूरज बताओ।
क्योंकि बार बार मुझे यही पूछते रहते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही है कि आप दोनों की शादी होगी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी होगी। जब मैं बोर और होता हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब जब मुझे कोई भूख भूख लगती है तो मैं यहाँ पे आके खाना खा लेता हूँ। जब मुझे कुछ मस्ती वस्ती करनी है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब जब मुझे बच्चे अच्छे चाहिए होंगे तो TVS XL 100 को खरीदने के लिए आपकी सैलरी या इनकम कितनी होनी चाहिए? तो बात करते हैं इसकी एक्सशोरूम प्राइस की, 39,990 रुपीस। गाड़ी के 6 वेरिएंट आते हैं, जो सबसे सस्ता मॉडल है वो आता है 49,000 रुपीस का, और जो सबसे महंगा वेरिएंट है वो आता है 57,000 रुपीस का। इस गाड़ी को कई जगह पे लूना भी कहा जाता है, कहीं पे इसको बिक्की भी कहा जाता है, कहीं बुक्की भी कहा जाता है। सब लोग उसको अपने अलग अलग नाम से बुलाते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं बेस मॉडल की, जो है 49,000 रुपीस का। अगर आप 10,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके इस गाड़ी का फाइनेंस, तो भाइयों आज गया था ना बैंक खाता खुलवाने, तो वहाँ पर एक मैडम बैठी थी। तो मैडम सब ने भैया बोला मैं खाता खुलवाना है, तो मैडम ने हमको एक फॉर्म दिया। मैडम ने बोला तो फिल करो, तो भैया मैं फॉर्म लेके बाहर आ गया फिल करने के लिए। तो मैंने फॉर्म में देखा, फॉर्म में ऊपर लिख रहा था नाम, तो भैया मैंने वहाँ पर डाल दिया अभी से एक। वहाँ लिख रहा था पता, मैंने भैया पता डाल दिया गाजियाबाद। फिर भैया वहाँ पर ऐसी 3-4 चीज़ लिख रही थी, मैंने वो सारी चीज़ फिल कर दी, माता का नाम पिता का नाम वो सारी चीज़ मैंने फिल कर दी। भैया नीचे लिख रहा था लिंक, तो भैया मैंने लिख दिया 8 इंच। मैं फॉर्म लेकर अब अंदर गया बैंक में, मैंने मैम को फॉर्म दिया, तो मैम कह रही ये क्या लिख रखा तुमने नीचे लिंक 8 इंच। तो मैंने बोला मैम हकीकत है देख लो। तो मैम ने बोला कि भैया बाहर जाओ और इसको काट के आओ, अब घर को जा रहा हूँ। भैया बैंक अकाउंट के चक्कर में अपना लंड थोड़ी कटवा लूँगा। क्या बात है बादशाह साहब, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, दूसरों के कमर की बटरफ्लाई देखते हैं आप, हमारा केकड़ा नहीं देखोगे? हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों ना डील करना। Hey, I'll come look at this. देखिए कोचिंग से छुट्टी हुआ यहाँ पे, कुछ लड़का निकल रहा है। अरे ना बाबू, ये ना बाबू, छुट्टी हो गया जी? मैं नहीं बताऊंगा। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 10वां में। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है बुल्ला। ये वो सवाल पूछे? पूछिए। जवाब दे देगा तुमको 100 रुपए नगद दे देंगे। पैसा ही पैसा होगा। लिंग के प्रकार के होते हैं? लिंग कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं बाबू लंबा, काला, पतला, मोटा, सुडौल, फिर का वाला कनिस्पुरिया। यही पढ़ाई करने आते हो तुम लोग है? लिंक के बारे में पूछ रहे थे, लंड के बारे में बता रहा है। बंद करो कैमरा यार। बहुत बुरा हुआ है दोस्तों मेरे साथ, बहुत बुरा हुआ है। सुबह सुबह तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुत्तर फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो? अरे शर्म करो, कंजरी मार दे बच्चियो, दगड़ दल्ली मार दे बच्चियो, कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ। तो बस यार आज के लिए मैं इतना ही, आई होप सो आप सभी को अच्छी लगी होगी। ओके यार ये लास्ट ओवर वो डेंजरस भाई, मैं तो वेट कर रही थी तो बंदर ने बुलाया और ये बोला, क्या क्या मीम्स आ रहे हैं आजकल भाई साहब। ये एक्चुअली मेज पुनी सुपरस्टार और हमारे खली का जो वीडियो है वो सच्ची में मतलब ऐसा ही है क्या? आई डोंट नो सच्ची, वो देख के मुझे बहुत गलत लगा। लेकिन ओ भाई साहब मैं क्या ही सोच रही हूँ। ठीक है ओके, सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।